नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सिंह राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी डेट्स पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलते हुए नजर आएगा, कौन कौन सी डेट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है, किस तरह से इस महीने को आगे लेकर के चलना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में विराजमान है तो डेफिनेटली यहाँ पर दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सो एक एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा और अपने जून के इस महीने को अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। महीने की शुरुआत ही देखी जाए यहाँ पर तो शुरुआत में ही थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल दिखाई देगा, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा दिखाई देगी और शुरुआत में ही आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और लक का सपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए राहु बुध और गुरु की युति यहाँ पर बनी हुई है, केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और ऐसे में अगर हम देखें तो एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। एक तरफ से शनि जो है वो राहु को आस्पेक्ट कर रहे हैं और केतु जो है वो शनि को आस्पेक्ट कर रहे हैं और शनि आपके लग्न को आस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो ट्राइंगल आपका बना हुआ है ये ट्राइंगल काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ पैदा करता हुआ नज़र आता है। ऐसे समय में आप सभी को बहुत ज़्यादा आराम आराम से चीज़ें करने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और ये समय में बड़ों की सलाह लेकर के काम करना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेचर की बात करें यहाँ पर कि नेचर आप सभी को कैसा रखना है तो अपने नेचर को बिल्कुल शांत और बिल्कुल बैलेंस रखकर चलने की ज़रूरत है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा और अपने मोरल को डाउन मत होने दीजिएगा, अपने आप को गिवअप मत करिएगा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये समय मेहनत करके आगे बढ़ने का समय है, ये समय एफर्ट के रिजल्ट्स का समय है, ये समय लक का समय नहीं है और लक के भरोसे बैठने का समय नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठ जाए और चंद्रमा 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है तो ऐसे समय में आप सभी को और भी ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, आप सभी को अपनी संगत बहुत अच्छी रखनी है। ये समय रहेगा जहाँ पर लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर बैड हैबिट्स जनरेट होते हुए नजर आएगी। सिगरेट पीना, ड्रिंक करना या फिर किसी चीज़ का नशा करना आप सभी के हैबिट्स में आ सकता है, तो यहाँ पर ज़्यादा सावधानी और ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप सभी ये हैबिट्स रखते हैं जो बैड हैबिट्स हैं तो वो आपकी हेल्थ पर भी अफेक्ट करेंगी और क्योंकि मंगल और शुक्र की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है इस वजह से भी देखा जाए तो ये समय जो है ये आपके लिए और ज़्यादा परेशान करता हुआ नजर आएगा। शनि और मंगल का षडाष्टक योग भी सेहत को लेकर के थोड़ी सी हानि पहुंचाने का काम यहाँ पर करता है और इस वजह से मैं आप सभी को कहूँगा कि इस समय में आप सभी को थोड़ा सा सेहत को प्रायोरिटी पर रखकर चलने की ज़रूरत है। सेहत के लिए लापरवाही ना करें इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना आप अपनी सेहत का ध्यान देंगे सेहत आपकी उतनी अच्छी होती जाएगी। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर बीमारियां निश्चित तौर पर आती हुई नजर आएंगी और साथ ही साथ आपको किसी न किसी तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़े तो ये भी आप कह सकते हैं। करियर के लिहाज से ये समय कैसा जाता हुआ दिखाई देता है कि करियर में यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है, सूर्यदेव 15 तारीख को गोचर करके यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। मतलब कि 15 तारीख के बाद अगर हम देखें तो करियर में ग्रोथ है, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शनि वक्री हो जाएंगे तो शशि योग और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा एंड डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगी। जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसी को करते रहें। प्रमोशंस के चांसेस यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं और साथ ही साथ एक अच्छे लेवल पे आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, अपने करियर में और अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। विदेश यात्राओं में थोड़ा सा डिले हो सकता है, इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको बाहर जाने पर ना मिले या वीज़ा आपका कैंसिल हो जाए तो परेशान मत होइएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, वापस से एक महीने बाद अप्लाई करिएगा, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। ये समय में स्टडी करने के लिए या फिर किसी तरह की एजुकेशन के लिए या स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। आप सभी को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, हर एक चीज़ में एफर्ट ज़्यादा करना है। सरकारी नौकरी के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे एंड स्टडी आपकी और भी ज़्यादा अच्छी होते हुए नजर आएगी।
सो नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और स्टडी में आप सभी को कहीं ना कहीं नए मौके मिलते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो इसका भी आप सभी को पूरा पूरा फायदा उठाना ही उठाना है। स्टडी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समय में आप सभी अपने पार्टनर के साथ ईगो और एटीट्यूड का रिश्ता ना रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने पार्टनर के साथ पैचअप करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप सभी ने कोर्ट में केस कर रखा है और केस खत्म करना चाहते हैं या उस केस से दूर होना चाहते हैं, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम जहां पर आप अपने केस को बंद कर सकते हैं और डाइवोर्स के केसेस से अपने आप को दूर कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ पैचअप कर सकते हैं या फिर लाइफ में नए पार्टनर को एंट्री दे सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा जरूर उठा लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका फाइनेंस। देखिए, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं और जहां पर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे वहां पे फाइनेंस क्या होगा, कमजोर होता हुआ नजर आएगा। बट क्योंकि करियर ग्राफ अच्छा है, सूर्यदेव का ट्रांजिट जो होगा वो अच्छा रहेगा, प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नजर आएगा, पिता से लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, तो इसी वजह से फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा खराब ना होकर के एक बैलेंस फाइनेंस यहाँ पर बनता हुआ जरूर नजर आता है। यहीं पर प्रॉपर्टी के योग भी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। इसी वजह से आप सभी को कहूँगा कि इस महीने में तो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज ना करें और देखने की कोशिश कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको एक अच्छा वास्तु या एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करिए कि कोई भी प्रॉपर्टी इस समय में ना लें और किसी भी तरह की रजिस्ट्री इस समय में ना करें। प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं आराम से सेल कर सकते हैं, सेल करने में कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। ओवरऑल यहां पर देखा जाए तो ओवरऑल सिंह राशि के लिए ये जो लाइफ का स्ट्रक्चर रहेगा, जून महीने का जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है। बहुत ज़्यादा डाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, एक एवरेज महीना रहेगा और एक अच्छा महीना रहेगा जो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है समय के साथ साथ। इसी वजह से आप सभी को हर एक दिन को बहुत आराम से निकालने की कोशिश ज़रूर करनी है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी डेट्स पर आप सभी को ज़्यादा परेशानियां हो सकती है, कौन कौन सी डेट्स पर आप सभी को फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, महीने की जो शुरुआत रहेगी, महीने की शुरुआत में शुरू के 5 दिन जो रहेंगे ये फैमिली को लेकर के और आपके नेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ लेकर के आते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देखिएगा कि 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का जो समय है ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला समय रहेगा। इस समय में आप सभी के मन मुटाव ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस समय में अपनी वाणी पर बिल्कुल आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये आपका जो नेचर है ये पूरा ख़राब हो जाएगा और शुरुआत में ही जब एक स्ट्रेस आ जाए, एंजाइटी आ जाए, तो पूरा महीना वहाँ पर ख़राब हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेहत के बाद अगर हम नेचर के बाद अगर हम हेल्थ की यहाँ पर बात करें तो हेल्थ के लिए ये महीना थोड़ा सा ओके है। बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें बड़ी परेशानियाँ नहीं हैं, छोटी छोटी दिक्कतें लगी रहेंगी, जैसे कि आपको हेडेक होना, माइग्रेन होना या फिर बॉडी एक होना या फिर किसी भी तरह की टेंशन और तनाव में अपने आप को उलझा के रखना, तो वो आपका बिल्कुल दिखाई देता है। और ये आपका मोस्टली जो रहेगा ये आपका 8 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक के बीच में ज़्यादा रहेगा। 8 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक अपनी सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी समय में आप सभी को दूसरों से बच के रहना है, दूसरे लोग गलत एलिगेशंस आपके ऊपर लगा सकते हैं, इस तरह के योग यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। तो इसीलिए अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा, बचा के रखिएगा, अननेसेसरी की चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइएगा और जितना हो सके अपने काम के ऊपर ही फोकस करने की कोशिश करिएगा, तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कब करियर में बहुत अच्छा समय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो देखिए, जब तक सूर्यदेव यहाँ पर हैं ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सूर्यदेव यहाँ पर इसे जब यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे और वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव का जो ट्रांजिट है वो 15 जून के बाद देखने को मिलेगा। इसीलिए करियर में अगर मैं बात करूँ तो 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और धीरे धीरे चीज़ें और भी बेटर होते हुए नजर आएगी।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टडी और रिलेशनशिप के बारे में। स्टडी तो पूरा ही समय अच्छा है, 15 तारीख के बाद का समय और अच्छा है, तो और अच्छे लेवल पे स्टडी को आप लेकर के जा सकते हैं। बट रिलेशनशिप के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट समय बता देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का समय रहेगा। ये समय अगर आपने निकाल दिया तो टेंशन, तनाव और परेशानियां खत्म हो जाएगी। बट इस समय में आप सभी अपने रिलेशनशिप को बिगड़ने से ज़रूर बचाइए। कौन सा रहेगा वो समय, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ये रहेगा आपका 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के बीच का समय। 10 टू 15 के बीच में रिलेशनशिप 100% खराब होंगे, मनमुटाव 100% होता हुआ नजर आएगा। किसी भी तरह की परेशानियां या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में परेशानियां होना, ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। और इसी वजह से आप सभी के पास इस समय को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रांजिट मोड का समय रहेगा और ट्रांजिट मोड में जब भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं और आप सभी को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चलने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल इन चीज़ों पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं है और बाकी आप अपने समय को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मई का महीना कैसे एंड करना है, जून के महीने की शुरुआत कैसे करनी है और जून के महीने को कैसे बैलेंस करना है। बाकी जुलाई अगस्त आगे का समय भी मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज़ आपको बैलेंस करने की कोशिश करता हुआ नजर आऊंगा और आपकी लाइफ के नेगेटिव पार्ट को दूर करके पॉजिटिव पार्ट को आप तक पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।